हम प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने एक जगह इन पर एलिगेशन लगाया है, एक जगह इन पर एलिगेशन लगाया है कि इनके 5 अवैध बच्चे हैं, इलीगल बच्चे हैं। सबसे बड़ी इनकी जो इनका जो औलाद है वो 34 साल की उस वक्त में थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है, कनेक्शन मिल रहा है प्रॉपर? रेहम, रेहम आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ कनेक्टिविटी का इशू है शायद सिग्नल का। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूँ कि आप बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान में हैं, जब से आप पाकिस्तान में आई हैं तब से इमरान खान की कुर्सी हिलने लगी है, ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, हम मलंग लोग हैं, जहां से मेरा ताल्लुक है, तो हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो वो दुआ ही काफी होती है। तो नवंबर में हम वापस आए हैं और मेरा ख्याल था कि अब बहुत हो गई, ऑपोजिशन को भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, मर्दों को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये खवातीन का काम नहीं है, लेकिन कभी कभी खवातीन ही को हिम्मत करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि शायद मेरी कोई लोग कहते हैं शायद मुबारक कदम थे। मैं समझती हूँ कि किसी का भी जादू टोना जो है ना, दुआ के आगे काम नहीं आता। तो हो सकता है कि मेरी दुआ, मेरी नेक नियति काम आई है, कुछ लोगों में हिम्मत आई है, क्योंकि बहुत हो गया। पूरे खित्ते के लिए एक अजाब बन के टपके हैं ये, और जो महंगाई का आलम है। अब आज अगर आप देखें कि क्या डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो 182 से तजावज कर गई है, 182 रुपीज टू डॉलर है और उससे अबव है। ये तो 200 का टारगेट लेके आए थे, अगर इनको हम छोड़ते तो ये 200 तक डॉलर को पहुंचा देते, और ये हमसे सहा नहीं जा रहा। बहुत ज्यादा गुर्बत आ गई है। आप अगर यहाँ इस्लामाबाद का हाल देखने के लिए आए तो 4 साल पहले ये हाल नहीं था। पंजाब ते पंजाबी दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।